फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं खड़ी हूँ चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर और जिस ट्रेन से मैं बोर्ड करने वाली हूँ उसका नंबर है 19717 जो कि चलती है जयपुर जंक्शन से और ये जाती है दौलतपुर चौक तक, लेकिन मैं ट्रेवल करूँगी सिर्फ नंगल तक। तो बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय करते रहिए इस सफ़र को। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही है अभी कि हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग चुकी है और हमारी ट्रेन का नाम है दौलतपुर चौक इंटरसिटी एक्सप्रेस, राइट। जिस कोच में मैं ट्रेवल करने वाली हूँ वो है सेकंड सिटिंग कोच। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यार बहुत ही बारिश हो रही है और बहुत ही बारिश में मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लॉग बनाने आई हूँ। और तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ अपने ट्रेन का कोच। बहुत ही ज़्यादा गंदा है ये, आप देख सकते हैं लोगों ने मूफलियाँ खा की ट्रेन में ही और पानी भी देख सकते हैं इकट्ठा हुआ है। और ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये लोहे का है। सीट्स भी आप देख सकते हैं, कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही है यहाँ पर। ये चार्जिंग का सॉकेट दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो हमारा कोच है वो गंदा है और एक्सट्रीम में भी पानी तो इसीलिए क्योंकि बार बारिश बहुत आ रही है। और चार्जिंग का सॉकेट दिया हुआ है आपको, यहाँ पर भी एक सॉकेट दिया हुआ है मोबाइल चार्जिंग के लिए, राइट। यहाँ पे अगर आप स्विचेस देखेंगे तो बिल्कुल पुराने ज़माने के हैं, अप एंड डाउन वाले फैंस के लिए दिए हुए ये स्विचेस। ये वाली सीट के लिए देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये वाली उनके लिए उन्होंने कहा है कि जो भी ज़रूरतमंद है उनको, यानी कि जो डिसेबल्ड है या जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए सीट रिजर्व की गई है यहाँ पे कुछ हैंग करने के लिए। और मुझे लगता तो नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ लोग अभी आ चुके हैं, बिकॉज ज़्यादातर मुझे ये डिब्बा खाली ही दिख रहा है। मौसम अगर आप देखें, अगर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊं तो इट्स जस्ट ऑसम। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बारिश बहुत तेज़ है और आज मुझे लगा ही नहीं था कि हम इतनी बारिश में स्टेशन तक पहुंच पाएंगे। सुबह सुबह के टाइम में अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको चिड़ियों की जो चहचहाहट है वो बहुत बहुत ही अट्रैक्ट करती है और बहुत मन को मोह लेने वाला दृश्य होता है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको इस ट्रेन का डिपार्चर। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मोहाली के स्टेशन पर। यहां आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतारा है हमारी ट्रेन ने और यहां पर दो प्लेटफॉर्म्स है। हमारी ट्रेन यहां रुकेगी 2 मिनट के लिए और आप देख सकते हैं यहां पर बहुत 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 तेज़ बारिश हो रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाती हूँ।
मीन्स आज मौसम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुहाना है, बारिश बहुत हो रही है, बट एक प्रॉब्लम, एक कह सकते हैं आप एक चैलेंजिंग है आज के मौसम में, आज के वेदर में ब्लॉग बनाना। रीज़न बीइंग कि बार बार जो डिवाइस है वो गीला हो जाता है बारिश से, राइट। सो इसलिए थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन है अब मेरे लिए। एंड आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगी एक और ट्रेन लवर से, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, जो कि है मेरे हस्बैंड। तो आपको कैसा लग रहा है कि इस मौसम में ट्रेन में ट्रेवल कर कर? मौसम बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह एक बार तो लगा था कि हम नहीं जा पाएंगे, बट कोशिश की और हम पहुंच गए। और ठंडा मौसम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छा है, मज़ा आ रहा है, वी आर इन्जॉइंग। सो इट डिफाइंस दैट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। yes, yes, yes. तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ बने रहने पर आपको मिलने वाला है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं मोरिंडा जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर जो है हमारी ट्रेन रुकेगी 2 मिनट के लिए, और यहाँ पे मोरिंडा जंक्शन को जंक्शन के लिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है चंडीगढ़ की तरफ, एक पूना की तरफ और एक सानेवाल की तरफ। यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म्स तो दो है, लेकिन वर्किंग सिर्फ एक ही है। तो चलिए आइए मैं आपको इस ट्रेन का डिपार्चर भी दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि लोग आपको शिमला की खूबसूरती भी दिखाते हैं, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती भी दिखाती है, लेकिन इस रूट की खूबसूरती आपको बहुत कम लोग दिखाएंगे। और तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। एंड वन मोर थिंग, आपने देखा होगा कि ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है इस कोच में, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो चंडीगढ़ में ही उतर जाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोरिंडा से लेके दौलतपुर चौक तक जो है जो रेलवे ट्रैक है वो सिंगल है। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं रूपनगर, यहाँ हमारी ट्रेन ने हमें 15 मिनट पहले पहुंचा दिया है। यहाँ का जो हमारी ट्रेन का हॉल्ट है वो 2 मिनट का है, और आप देख सकते हैं हमारा जो ये कोच है वो बिल्कुल इंजन के साथ है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, बारिश बहुत हो रही है, तो चलिए आइए अंदर चलते हैं।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ट्रेन लगी हुई है जो है नंगल डैम अमृतसर एक्सप्रेस, और जो कि अभी कैंसल्ड है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर सर्दियों में डिमांड ना होने के कारण जो है रेलवेज की काफ़ी ट्रेन्स जो है वो कैंसिल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बहुत ही ठंड है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह बहुत ही ठंड है, इतनी ठंड है कि हमारे, तो फ्रेंड्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं प्रकृति के कुछ खूबसूरत नज़ारों को। मौसम एकदम ऑसम हो चुका है, मतलब इतना अच्छा मौसम है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बादल बिल्कुल नीचे तक आ चुके हैं, पहाड़ों को टच कर रहे हैं, और इस रूप की जो खूबसूरती है वो देखने लायक है।
फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं अनंतपुर साहिब के स्टेशन पर। यहाँ पर बाहर बहुत ही बारिश हो रही है। यदि आप नैना देवी, चिंतपूर्णिया, ज्वाला जी भी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बस या टैक्सी भी कर सकते हैं, वो आपको नज़दीक पड़ेगा। काफ़ी श्रद्धालु आप देखेंगे कि यहीं उतर जाते हैं दर्शनों के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म है और यहाँ भी हमारी ट्रेन रुकेगी 5 मिनट के लिए। हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई सफाई कर्मचारी आएगा और इस ट्रेन की सफाई करेगा, तो अभी तक कोई भी नहीं आया और ये ट्रेन वैसे के वैसे ही पड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी। एंड ठंड का मौसम है, चाय तो ज़रूर पीने का मन कर रहा है, बट अभी तक कोई चाय वाला नहीं आया है। और बिल्कुल जब हमने चंडीगढ़ से बोर्ड किया था ट्रेन को तभी था, उस वक्त तो नहीं पी, बट अब चाय की ज़रूरत है, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द चाय वाला। लेट्स होप जल्दी आ जाए। हमारी ट्रेन ने जो है हॉर्न दे दिया है, इशारा कर दिया है, तो चलिए आइए मैं आपको इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रेन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये ट्रेन चलती है जयपुर से रात को 8:30 बजे, 8:35 पर, 7:30 ये पहुँच गई थी वहाँ चंडीगढ़ में, और इसका डिपार्चर का टाइम 7:45 था, यानी कि 7:45 बजे। हम ट्रेवल करेंगे नंगल तक। नंगल तक इसका पहुँचने का टाइम है 10:50 पर, और वहाँ से इसका डिपार्चर का टाइम है 10:45, यानी कि आपके पास पूरे 20 मिनट होंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे कोच को हमारी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म के काफ़ी आगे उतारा है, राइट। और आप यहाँ से नीचे उतरने के लिए आपके पास यही साधन है, तो मतलब आपको उतरना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, जो कि उतरना काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जंप करना पड़ेगा अगर आपको उतरना है, और रिस्की भी है कि आपको चोट भी लग सकती है या कोई इंजरी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, और उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सो दैट हमारे चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे, वो भी सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।